नमस्कार। आज के वेबिनार की थीम आत्मनिर्भर इन डिफेंस कॉल टू एक्शन। देश के इरादों को स्पष्ट करती है। बीते कुछ वर्षों से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। साथियों, गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद के वर्षों में हमारी ये ताकत कमजोर होती चली गई, लेकिन ये दिखाता है कि भारत में क्षमता की कभी कमी न तब थी न कमी अब है। साथियों, सुरक्षा का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि आपके पास अपना कस्टमाइज और यूनिक सिस्टम होना चाहिए, तभी वो आपकी मदद करेगा। अगर 10 देशों के पास एक ही तरह के डिफेंस उपकरण होंगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट ये तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हो। साथियों, इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट की घोषणा के बाद डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए लगभग 54,000 करोड़ रुपीज, करीब 54,000 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के उपकरणों से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी अलग अलग स्टेजिंग में है। बहुत जल्द तीसरी लिस्ट भी आने वाली है। ये दिखाता है कि हम देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई आउटडेटेड हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। मैं देश की सेनाओं की भी सराहना करूंगा कि वो भी डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता का महत्व समझते हुए बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। आज
हमारी फौज के पास भारत में बने साजो सामान होते हैं तो उनका आत्मविश्वास, उनका गर्व भी नई ऊंचाई पर पहुंचता है। और इसमें हमें सीमा पर डटे जवानों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। मुझे याद है जब मैं सत्ता के किसी गलियारे में नहीं था, मेरी पार्टी का काम करता था, पंजाब मेरा कार्यक्षेत्र था, तो एक बार वाघा बॉर्डर पर जवानों से गपशप करने का मौका मिल गया। वहां जो जवान तैनात रहते थे उन्होंने चर्चा के दौरान मेरे सामने एक बात कही थी और वो बात मेरे मन को छू गई थी। उन्होंने कहा था कि वाघा बॉर्डर पर भारत का जो गेट है वो हमारे दुश्मन के गेट से थोड़ा छोटा है, हमारा गेट भी बड़ा होना चाहिए, हमारा झंडा उससे ऊंचा होना चाहिए। ये हमारे जवान की भावना होती है, हमारा देश का सैनिक इस भावना के साथ सीमा पर डटा रहता है। भारत में बनी चीजों को लेकर उसके मन में एक अलग स्वाभिमान होता है, इसलिए हमारे जो रक्षा उपकरण होते हैं उनके लिए हमें अपने सैनिकों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम आत्मनिर्भर होंगे। साथियों, पहले के जमाने में युद्ध अलग अलग तरीके से होते थे, आज अलग तरीके से होते हैं। पहले युद्ध के साजो सामान में परिवर्तन आने में दशकों लग जाते थे, लेकिन आज युद्ध के हथियारों में देखते ही देखते बदलाव आ जाता है। आज जो शस्त्र है उन्हें आउट ऑफ डेट होने में समय नहीं लगता है। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित हथियार है वो तो और भी जल्दी आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। भारत की जो आईटी की ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इस ताकत को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमें उतने ही सुरक्षा में हम आश्वस्त होंगे। जैसे अब साइबर सिक्योरिटी की बात ले लें, अब लड़ाई का वो एक हथियार बन गया है और वो कोई सिर्फ डिजिटल एक्टिविटी के लिए सीमित नहीं रह गई है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है। साथियों, ये भी आप भलीभांति जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में हमेशा किस तरह का कंपटीशन रहा है। पहले के समय में बाहर की कंपनियों से जो सामान खरीदा जाता था उसमें अक्सर भांति भांति के आरोप लगते थे, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बात सही है कि हर खरीदी से विवाद पैदा होता था। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के बीच जो कंपटीशन होता है उसके कारण दूसरे के प्रोडक्ट को नीचा दिखाने का अभियान निरंतर चलता रहता है और उसके कारण कंफ्यूजन भी पैदा होता है, आशंका भी पैदा होती है और भ्रष्टाचार के दरवाजे भी खुल जाते हैं। कौन सा हथियार अच्छा है, कौन सा हथियार खराब है, कौन सा हथियार हमें उपयोगी है, कौन सा उपयोगी नहीं है, इसे लेकर भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, बहुत योजनापूर्वक किया जाता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड की लड़ाई का वो हिस्सा होता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमें ऐसी अनेक समस्याओं का भी समाधान मिलता है। फ्रेंड्स, जब पूरी निष्ठा के साथ संकल्प लेकर
हम आगे बढ़ते हैं तो क्या परिणाम आते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां है। हमारे रक्षा सचिव ने अभी इसका बड़ा वर्णन भी किया। गत वर्ष के पहले हमने 7 नई डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स का निर्माण किया था। आज ये तेजी से बिजनेस का विस्तार कर रही है, नए मार्केट में पहुंच रही है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी ले रही है। ये भी बहुत सुखद है कि बीते 5-6 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने 6 गुना वृद्धि की है। आज हम 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स और सर्विसेज दे रहे हैं। मेक इन इंडिया को सरकार के प्रोत्साहन का परिणाम है कि पिछले 7 सालों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 350 से भी अधिक नए इंडस्ट्रियल लाइसेंस इश्यू किए जा चुके हैं, जबकि 2001 से 2014 के 14 वर्षों में सिर्फ 200 लाइसेंस जारी हुए थे। फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर भी डीआरडीओ और डिफेंस प्लस डिफेंस पीएसयूज इसकी बराबरी पर आए, इसलिए डिफेंस आरएनडी बजट का 25% इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए रखा गया है। बजट में स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल की व्यवस्था भी की गई है। ये प्राइवेट इंडस्ट्री के रोल को सिर्फ एक वेंडर या सप्लायर से आगे एक पार्टनर के रूप में स्थापित करेगा। हमने स्पेस और ड्रोन सेक्टर्स में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बनाई हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स और इनका पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेशन देश के डिफेंस सेक्टर को जरूरी ताकत देंगे। साथियों, ट्रायल, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की व्यवस्था का ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, प्रैग्मेटिक और निष्पक्ष होना एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम समस्याओं को दूर करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इससे देश में जरूरी स्किल सेट के निर्माण में भी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी से देश की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा से डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए नए रास्ते बनेंगे। मैं चाहता हूं आज सभी स्टेक होल्डर से हम सुनना चाहते हैं, हम आप लोगों को लंबे भाषण देना नहीं चाहते हैं। ये आज का दिवस आपके लिए है, आप प्रैक्टिकल चीजें लेकर के आइए, बताइए। अब बजट निर्धारित हो चुका है, 1 अप्रैल से नया बजट लागू होने वाला है। हमारे पास तैयारी के लिए ये पूरा महीना है। हम इतना तेजी से काम करें कि 1 अप्रैल से ही चीजें जमीन पर उतरना शुरू हो जाए। ये जो एक्सरसाइज है ना, इसलिए है। हमने बजट को भी 1 महीना प्रीपोन करने की पद्धति डेवलप की है। इसके पीछे भी इरादा यही है कि हमें एक्चुअली बजट लागू होने से पहले सभी डिपार्टमेंट को, स्टेक होल्डर्स को
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को तैयारियां करने का पूरा अवसर मिले, ताकि हमारा समय बर्बाद न हो। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये देशभक्ति का काम है, ये देश सेवा का काम है। हम आइए, मुनाफा कब होगा, कितना होगा वो बाद में सोचिए, पहले देश को ताकतवर हम कैसे बनाएं इस पर सोचिए। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, और मुझे खुशी है कि आज हमारी सेना के हमारे तीनों अंग बड़े उमंग और उत्साह के साथ इन कामों में पूरी इनिशिएटिव ले रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब ये मौका हमारे प्राइवेट पार्टी के लोगों ने खोना नहीं चाहिए। मैं फिर एक बार आपको निमंत्रण देता हूं, मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।